अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मटन, मैंने यहाँ पे मटन का गोश्त लिया है 1 किलो, 1 कप ऑयल, 1/2 कप दही, 7 से 8 हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून धनिया और 1/2 टेबल स्पून जीरे को मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला, आप किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला ले सकते हैं, 5 अदद दरमियानी साइज की मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और इसको बीच में से इस तरह से 2 पीस में कटिंग कर लिया है, 2 टेबल स्पून अदरक, इसको मैंने जूलियन कटिंग कर लिया है, 4 से 5 अदद दरमियानी साइज की हरी मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम सबसे पहले गोश्त ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो खत्म हो जाए। फ्लेम हमने यहाँ पे हाई की हुई है, फ्लेम लो नहीं है, हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 6 से 7 मिनट हो गए हैं और देखें गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। 1 मिनट हो गया है, लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें 1 प्याली पानी ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको यहाँ पे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे इतनी देर, जब तक हमारा गोश्त अच्छे से गल ना जाए। यहाँ पे मैं इसको 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ रही हूँ, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से नरम हो जाए। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, अब हम गोश्त को चेक करेंगे। यहाँ पर गोश्त हमारा जो है 3/4 गल चुका है, इसमें ज़रा सी हमने कसर बाकी रखी है क्योंकि हम इसको अभी टमाटरों के साथ भी पकाएंगे, इसलिए अब यहाँ पर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, हल्का सा इसको बस मिक्स करेंगे, वापस हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए और इसकी स्किन फिर हम रिमूव कर लें। 5 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ पर हम इसका कवर हटाएंगे, इसको मिक्स करेंगे और देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसकी स्किन रिमूव कर लेंगे इस तरह से, सिंपल इस तरह से, बहुत आसानी के साथ ये रिमूव हो जाएगी। इस तरह से अब सारे टमाटरों की हम स्किन रिमूव कर लेंगे। स्किन रिमूव करने के बाद हम हल्का सा इनको मैश कर लेंगे इस तरह से, देखिए कितनी आसानी के साथ जो हमारे टमाटर हैं वो मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मेरे पास यहाँ थोड़ी छोटी साइज की मिर्ची थी, अगर आपके पास बड़ी हो तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छे से इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से भून जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए टमाटरों की अच्छी सी भुनाई हमने कर ली है, तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर, कुटी लाल मिर्च, कढ़ाई मसाला, साबुत धनिया, जीरा क्रश किया हुआ, अच्छे से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और देखिए मसालों की भुनाई अच्छी सी हो चुकी है। यहाँ पर हम इसमें दही ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको दही के साथ भुनेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसकी भुनाई हो चुकी है, ये देखिए आप, आपको ऊपर तेल नज़र आ रहा होगा, देखिए इतनी अच्छी भुनाई हो चुकी है कि इसका सारा तेल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें दरमियानी साइज की जो हमने हरी मिर्चें ली थी इनको बीच में से 2 पीस में कटिंग कर लिया है, इस तरह से ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें 2 से 3 घूंट पानी ऐड करेंगे, अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि जो गोश्त में हमने हल्की सी कसर छोड़ी थी वो भी ख़त्म हो जाए और जो मिर्चें हैं वो थोड़ी नरम हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ पर हम इसका कवर हटाएंगे
और देखें कितनी जबरदस्ती हमारी कढ़ाई की लुक आई है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम फ्लेम को हाई करके इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे ताकि जो हमने इसमें पानी ऐड किया था उसका कच्चापन ना आए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका कवर हटाएंगे और यहाँ पर हम इसका फ्लेम थोड़ा हाई करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देखें अच्छी सी इसकी हमने भुनाई भी कर ली है। अब यहाँ पर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें बारीक कटी अदरक ऐड कर देंगे और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जबरदस्ती हमारी हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।